26 अक्टूबर 2023 यानी कि वो दिन जिस दिन डीडी फ्रिज के इतिहास में दो ई ऑक्शंस को एक साथ कंडक्ट किया जाने वाला था। यस गाइस, फाइनली वो तारीख बीत चुकी है और आ चुकी है 27 अक्टूबर के दिन। अब आप लोग के मन में सबसे बड़ा सवाल यही चल रहा है कि आखिर डीडी टॉक्स ने हमसे वादा किया था कि वो ई ऑक्शन की पल पल की अपडेट देगा, तो वो इन दिनों कहां गायब हो गया? क्योंकि दूसरी ओर डीटीएच कैटेगरी के बाकी क्रिएटर लगभग हर दिन आपको 2 से 3 वीडियोस के अंदर ये ज्ञान दे रहे हैं कि ई ऑक्शन चालू हो चुकी है, ई ऑक्शन इतने बजे से चालू हुई है, ई ऑक्शन इतने तक चलेगी। तो आखिर डीडी टॉक्स कहां था? सबके जवाब मिलेंगे, साथ ही में ई ऑक्शन की भी नई अपडेट बताएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो बिना किसी देरी के इंट्रो लगाओ यार। डीटीएच टॉक्स मतलब क्वालिटी कंटेंट। गाइस, पहले तो बात करते हैं डीटीएच कैटेगरी के मेरे उन प्यारे क्रिएटर्स को लेकर। देखिए दोस्तों, हमारा काम आप लोगों से फालतू की बातें करना नहीं है। आप लोगों को भी गाइस मैंने अपनी ये अपडेट वाली वीडियो में सारी इन्फॉर्मेशन दे दी थी कि ई ऑक्शन किस दिन है, कब तक एप्लीकेशन सबमिशन की डेट है। तो बेखांति में मैं क्यों आप लोगों को एक और नई वीडियो बनाऊं और बताऊं कि देखो आज ही ई ऑक्शन के एप्लीकेशन सबमिशन का डेट है, बस ये बोल के 2 मिनट में ज्ञान देता रहूं। इसके अलावा अगले दिन जब ई ऑक्शन का दिन हो तब मैं एक और वीडियो में बताऊं कि देखो आज ई ऑक्शन चालू होगी। तो गाइस ये सब सिर्फ बेखांति की बातें हैं, हमारा काम आपको सही अपडेट और सटीक अपडेट देना है। ये बड़ी अच्छी बात कही आपने। इसलिए हमारी टीम रिसर्च में लगी रहती है और कोई नई खबर आती है तभी आपको हम उसको प्रमाण के साथ बताते हैं। और आज आप लोगों के लिए नई खबर ही लेके आए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं 73 ई ऑक्शन की, जो कि हमारे डीडी फ्रिज ग्राहकों के लिए MPG2 के लिए रखी गई थी। तो गाइस यस, ई ऑक्शन स्टार्ट हो चुकी थी और ई ऑक्शन को कंडक्ट भी किया गया है। सोर्सेज के माने तो इस ई ऑक्शन में कुछ चैनल्स ने पार्टिसिपेट किया था, मे बी वो न्यूज़ के चैनल रह सकते हैं और कुछ रीजनल चैनल्स रह सकते हैं। दूसरी ओर बात करूँ 74 ई ऑक्शन की, जो कि हमारे MPG4 ग्राहकों के लिए हुई थी। तो गाइस देखिए, उनके लिए एक बैड न्यूज़ निकल कर आई है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स का कहना है कि 74 ई ऑक्शन में किसी भी चैनल ने पार्टिसिपेट नहीं किया, कोई एप्लीकेशन सबमिशन नहीं हुआ है, इसलिए हो सकता है कि 74 ई ऑक्शन भी पीछे की ई ऑक्शन की तरह ही कैंसिल हो जाए। बाकी गाइस अभी हम इस खबर की 100% श्योरिटी नहीं दे रहे हैं, कुछ अपडेट्स आई हैं, कुछ ऐसे लीक्स निकल के आई हैं, तो हमने सोचा आपको बता दे। तो MPG4 ग्राहक, आपको हो सकता है कि इस ई ऑक्शन के माध्यम से कोई नया चैनल देखने को नहीं मिले, लेकिन फिर भी दिक्कत की बात नहीं है। 2 स्लॉट्स थे, यानी कि एक MPG2 का था, एक MPG4 का था। मान लो अगर MPG4 पे कोई नया चैनल आता भी नहीं है तो MPG2 वाले स्लॉट पे अगर कोई चैनल जीत जाता है तो वो ऑटोमेटिक MPG4 में आ जाएगा। तो कोई ना कोई नया चैनल तो हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि ऐसा माना गया है कि ई ऑक्शन को कंडक्ट किया गया है MPG2 के लिए और काफ़ी सारे चैनल्स ने इंटरेस्ट भी दिखाया और कुछ चैनल्स ने पार्टिसिपेट भी किया। वहीं पर बात करूँ बड़े ब्रोकास्टर्स की, यानी कि स्टार नेटवर्क, वाईकॉम 18, सोनी नेटवर्क की। तो गाइस देखिए, इनके चैनल्स ने इस ई ऑक्शन में पार्टिसिपेट नहीं किया है, ऐसी हमें फिलहाल खबरें मिली है कि किसी भी बड़े ब्रोकास्टर ने अपने बड़े जीसी चैनल्स को, यानी कि स्टार उत्सव, सोनी पल, कलर्स रिश्ते और जी अनमोल को नहीं उतारा है। पूरी ई ऑक्शन के अंतराल में छोटे मोटे ब्रोकास्टर्स ने ही पार्टिसिपेट किया है। रही बात सिस्टर चैनल्स की, यानी कि हमारे कलर्स नेक्स्ट जैसे चैनल्स की, बीच में एक खबर कलर्स रोशनी को लेकर भी चल रही है। तो आपको बता दूंगा, कलर्स रोशनी के नाम से कोई नया चैनल नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, वो चैनल नहीं आने वाला, तो उसके ऊपर तो पढ़ना ही मत। बाकी ये सब चैनल्स जो हैं हमारे, कलर्स नेक्स्ट, सोनी पल 2, जी टी वी, इन्होंने भी पार्टिसिपेट नहीं किया है। साथ ही में गाइस, रिसेंटली एक चैनल का ट्रेडमार्क आया है स्टार नेटवर्क के द्वारा, जो कि मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियोस में बता भी दिया था। चैनल का नाम था स्टार गोल्ड कॉमेडी। तो गाइस इसकी कुछ चांसेस हैं, मे बी 10 से 20% चांसेस है कि हो सकता है इस चैनल ने पार्टिसिपेट किया हो। पर हाँ, वैसे तो फिलहाल कुछ रिपोर्ट्स ऐसे ही निकल कर आई हैं कि जो बड़े ब्रोडकास्टर के सीरियल चैनल है उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया है। आपका MPG2 बॉक्स में मे बी इस ई ऑक्शन के थ्रू कोई न्यूज़ का चैनल आएगा, नहीं तो कोई रीजनल लैंग्वेज का चैनल आएगा। बाकी फिलहाल यही अपडेट्स आई थी, आगे की अपडेट्स के लिए भी चैनल पर बने रहना। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।